मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्पिपातमहं वंदे परमानंद माधवं। मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम संबंध के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। संबंध कितने होते हैं इस पर कुछ ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। लोक में भी हम देखें तो जहाँ से हमारा स्वार्थ सिद्ध होने वाला होता है वहाँ हम नया नया संबंध बना लेते हैं, और जहाँ से स्वार्थ की हानि होने वाली होती है तो वहाँ हम संबंध बिगाड़ भी देते हैं। तो हम नया नया संबंध बनाते रहते हैं और कई जगह पर संबंध को समाप्त भी कर देते हैं। इसीलिए संबंध बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। फिर भी जिज्ञासुओं के लिए जिन संबंधों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसे कुछ प्रमुख संबंधों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। उन प्रमुख संबंधों में से एक संबंध है संयोग संबंध। तो मित्रों, संयोग संबंध कहाँ होगा? तो नियम है द्रव्ययोः संयोगः, दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। इससे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु कहीं भी रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है। जैसे घड़े में पानी है, तो घड़ा भी एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है। तो जब घड़े में पानी रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है। कोई भी वस्तु कहीं ऐसा कोई कहता है तो आप वहाँ तुरंत पूछ लीजिए कि किस संबंध से रहता है। जैसे घट में जल है ऐसा कहा, तो आप पूछ लीजिए किस संबंध से, तो उसका उत्तर होगा संयोग संबंध से। जल घट में संयोग संबंध से रहता है क्योंकि जल और घट दोनों द्रव्य हैं और दो द्रव्यों के बीच में हमेशा संयोग संबंध होता है। जैसे पात्र में फल है, किसी बर्तन में फल हमने रखा है, तो पात्र और फल दोनों द्रव्य हैं, इसलिए फल और पात्र का संबंध संयोग संबंध है। हमारे शरीर में वस्त्र है, तो वस्त्र और शरीर का संबंध संयोग संबंध है। हमारे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल और हाथ दोनों का संबंध संयोग संबंध है। पुस्तकालय में पुस्तक है, और दोनों का संबंध संयोग संबंध है, क्योंकि ये दोनों द्रव्य हैं। तो दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। इसकी अनंत उदाहरण है, आप स्वयं इस पर आगे विचार कर सकते हैं। दूसरा संबंध है समवाय संबंध। तो समवाय संबंध एक नित्य संबंध है। अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और नित्य द्रव्य और विशेष में समवाय संबंध होता है। इस पर अभी हम यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए आपको समवाय परिचय नाम का एक हमारा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा संबंध जिस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे वो है स्वरूप संबंध। तो स्वरूप संबंध कहाँ होगा? तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जहाँ पर संयोग संबंध और समवाय संबंध नहीं होता है वहाँ पर स्वरूप संबंध होता है। एक सामान्य नियम है, इस पर एकदम सर्वत्र नहीं करना है, फिर भी समझने के लिए इस दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। जहाँ संयोग होगा होता है और जहाँ समवाय होता है वहाँ स्वरूप संबंध नहीं होता है। इसलिए जहाँ संयोग और समवाय संबंध नहीं है वहाँ पर सामान्यतः स्वरूप संबंध होता है, ऐसा हम लोग प्राथमिक स्तर पर कह सकते हैं। तो अभाव का संबंध स्वरूप संबंध, अभाव से संबंध स्वरूप संबंध। अभाव जब कहीं भी रहेगा तो स्वरूप संबंध से रहता है। जैसे एक उदाहरण हमारे सामने है, रूपा भाववान वायु, वायु में रूप का अभाव है। तो रूपा भाव रहा, कहाँ रहा? वायु में रहा, क्योंकि रूप द्रव्य गुण कर्म तीन द्रव्यों में रूप है, तो वायु में रूप का अभाव है।
न्याय दर्शन में अभाव भी एक पदार्थ है, तो रूपाभाव नाम का जो पदार्थ है और वायु नाम के पदार्थ में रहता है। तो हमने आपको पहले ही कहा कोई भी पदार्थ कहीं भी रहेगा तो वहाँ किसी न किसी संबंध से रहेगा। तो जब रूपाभाव वायु में रहता है तो आपको पूछना है किस संबंध से, तो उसका उत्तर होगा स्वरूप संबंध से। क्यों? क्योंकि अभाव का संबंध स्वरूप संबंध है, क्योंकि अभाव का संबंध संयोग संबंध भी नहीं, क्योंकि संयोग संबंध दो द्रव्यों के बीच में होता है, और समवाय संबंध भी अभाव का नहीं होता है, क्योंकि जो बताए गए अवयवावयवी गुण गुणी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति और नित्य द्रव्य विशेष, इतने में अभाव का प्रवेश नहीं है, इसलिए अभाव का संबंध स्वरूप संबंध है। तो वायु में रूपाभाव स्वरूप संबंध से रहता है। शब्दाभावान आत्मा, शब्द आकाश का गुण है, शब्द आकाश में रहेगा समवाय संबंध से रहेगा, तो आत्मा में शब्द नहीं है, तो आत्मा में शब्द का अभाव है, तो आत्मा में शब्द का अभाव किस संबंध से रहेगा, तो स्वरूप संबंध से रहेगा। जनाभावत वनम, वन में जन माने मनुष्य नहीं, किसी किसी वन में हो भी सकते हैं, लेकिन जहां पर नहीं है वहां की हम बात कर रहे हैं। तो जिस वन में जन का अभाव है, उस वन में जन का अभाव किस संबंध से है, तो स्वरूप संबंध से। तनाभावान भिक्षुक के पास धन का अभाव है, हम ऐसे भिक्षुक की बात कर रहे हैं जिसके पास वास्तव में धन का अभाव है, तो भिक्षुक के पास धन का अभाव है तो किस संबंध से, तो स्वरूप संबंध। और स्वरूप संबंध का दूसरा उदाहरण है उपाधि। मित्रों, उपाधि शब्द एक पारिभाषिक शब्द है और अनेक अर्थों में अनेक जगहों पर उपाधि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमको अत्यंत सावधान होना है। हमने एक जगह पर उपाधि शब्द का कुछ अर्थ समझ लिया तो सभी जगह पर उसी अर्थ को लेकर के हमको घटाना नहीं है, जहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है उसी के आधार पर उपाधि शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर उपाधि से हम क्या समझते हैं, तो उपाधि से धर्म, धर्म विशेष, जैसे गगन का धर्म है गगनत्व, गगनत्व जाति नहीं, जैसे पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व वायुत्व ये सब जाति है, उसी प्रकार गगनत्व ये जाति नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति मात्र प्रतिष्ठु न जाति, जो केवल एक व्यक्ति में रहे धर्म जाति नहीं होता। तो गगनत्व गगन में है और गगन एक ही है, इसलिए गगनत्व जाति नहीं है, इसलिए गगनत्व गगन में समवाय संबंध से नहीं रह सकता। तो प्रश्न आएगा किस संबंध से रहेगा, तो गगनत्व स्वरूप संबंध से रहेगा। तो गगनत्व जाति नहीं है, तो जाति से भिन्न इस प्रकार के जो धर्म होते हैं उनको हम प्राय उपाधि शब्द से कहते हैं। तो गगनत्व आकाशत्व भी कह सकते हैं आप, उपाधि है तो आकाशत्व आकाश में स्वरूप संबंध से रहता है। सामान्यत्व, द्रव्य में द्रव्यत्व जाति है, गुण में गुणत्व जाति है, कर्म में कर्मत्व जाति है, लेकिन सामान्य में सामान्यत्व जाति नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जाति द्रव्य गुण कर्म तीन में रहती है, द्रव्य गुण कर्म को छोड़कर के अन्यत्र जाति नहीं रहती है, इसलिए सामान्य में जाति नहीं है। तो सामान्य में जो सामान्यत्व धर्म है उसको हम जाति नहीं कहते, उसको हम उपाधि कहते हैं। तो सामान्यत्व सामान्य में स्वरूप संबंध से रहता है। उसी प्रकार विशेष में विशेषत्व, ये भी जाति नहीं है, आप जान चुके हैं, क्योंकि जाति द्रव्य गुण कर्म तीन जगह पर है। तो सामान्य विशेष समवाय आदि में जाति नहीं है, तो विशेष में विशेष में भी विशेषत्व जो धर्म है उसको हम जाति नहीं कहेंगे, उसको हम उपाधि कहते हैं। तो विशेषत्व विशेष में स्वरूप संबंध से रहता है। ऐसे ही विशेषणता, विशेषण कोई भी हो सकता है, तो उसमें विशेषणता नाम का धर्म है, तो जो विशेषणता नाम का धर्म है वो भी जाति आदि में उसका समावेश न होने से उसको हम उपाधि कहते हैं, इसलिए विशेषणता विशेषण में स्वरूप संबंध से। चलिए एक अन्य संबंध पर हम विचार करते हैं जिसका नाम है कालिक संबंध। जैसे कि नाम से ही हम जान सकते हैं काल का संबंध। काल के लिए एक कारिका है, कारिका वाली ग्रंथ में लिखा गया है,
जन्यानाम जनक कालो जगदाम आश्रय मत, काल जगदाम आश्रय, काल सारा जगत का आश्रय है, अर्थात सभी पदार्थ काल में रहते हैं। कैसे हम माने कि सभी पदार्थ काल में रहते हैं? तो हम सबकी प्रतीति है, क्या प्रतीति है? इदानीम सर्वे पदार्थ संति, इस समय में सभी पदार्थ, इस समय मैं भी हूँ, इस समय में आप भी हैं, इस समय सब कुछ है। तो सब कुछ कहाँ है? इस समय में, मतलब इस काल में। तो सभी पदार्थ काल में है, तो सभी पदार्थ काल में है तो किसी न किसी संबंध से है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पदार्थ कहीं भी रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है। सभी पदार्थ काल में है तो काल में जिस संबंध से सभी पदार्थ हैं उसी संबंध का नाम कालिक संबंध है। काले एन संबंधेन सर्वे पदार्थाः तिष्ठन्ति, स संबंधः कालिक संबंधः। तो कालिक संबंध को भी आपने समझ लिया। अब हम आगे चर्चा करते हैं तादात्म्य संबंधः, स्वस्मिन् स्वस्य संबंधः तादात्म्य संबंधः, अपने में अपना संबंध को हम तादात्म्य संबंध कहते हैं, स्वयं में स्वयं का संबंध। जैसे घट है, उस घट में उसी घट का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है। यदि हम एक घट पर दूसरा घट को रखते हैं, एक घट के ऊपर दूसरे घट को रखते हैं, तो वहाँ पर संयोग संबंध हो जाएगा, लेकिन उसी घट में उसी घट का जो संबंध है वह तादात्म्य संबंध है। पुस्तक में पुस्तक का संबंध तादात्म्य संबंध है, फल में फल का संबंध तादात्म्य संबंध है, स्वयं में स्वयं का संबंध, इसी का दूसरा नाम है अभेद संबंध। अभेद, घट में घट का अवैध है, पुस्तक में पुस्तक का अवैध है, फल में फल का अवैध है, अतः यह भी एक संबंध है, इसको भी जानना आवश्यक है। आगे चलते हैं, एक संबंध है विषय विषयी भाव, विषय विषयी भाव संबंध। ज्ञान और विषय में विषय विषयी भाव संबंध होता है, इसको न्यायिक थोड़ा अलग करते हैं, दो संबंध बना देते हैं, विषयता संबंध और विषयिता संबंध, विषय संबंध और विषयिता संबंध। विषय और विषयी, जिसका हम ज्ञान करते हैं वह विषय हुआ, हमने घट का ज्ञान किया तो घट हो गया विषय और ज्ञान हो गया विषयी, तो उस ज्ञान और घट के बीच में संबंध है। ज्ञान का संबंध घट में है, यदि हम ज्ञान को विषय में ले जाते हैं तो वहाँ पर संबंध हमारा बनेगा विषयता संबंध। जैसे अयं घटः ज्ञान हो गया, वह ज्ञान घट में है, किस संबंध से? विषयता संबंध से। अब हम विषय को ज्ञान में ले जाते हैं तो विषयिता संबंध हो जाएगा। जैसे घट विषय है, अयं घटः यह ज्ञान है, तो वह घट को यदि हम ज्ञान में ले जाएंगे तो विषयिता संबंध होगा। विषयता संबंध से घट ज्ञान में चला जाता है और विषयता संबंध से ज्ञान घट में चला जाता है। यद्यपि ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, फिर भी वह ज्ञान विषयता संबंध से अपने विषय में रहता है और विषय विषयता संबंध से ज्ञान में रहता है। इसी प्रकार एक और संबंध है स्व स्वामी भाव संबंध। स्व और स्वामी में स्व स्वामी भाव संबंध होता है। जैसे मान लीजिए धन का स्वामी चैत्र है, चैत्र नाम का कोई व्यक्ति है वो धन का स्वामी है, तो धन हो गया स्व और चैत्र हो गया उसका स्वामी। धन का संबंध, धन को हम स्वामी में ले जाएंगे तो स्वामित्व संबंध होगा, धन स्वामी में स्वामित्व संबंध से रहता है, स्व स्वामी में स्वामित्व संबंध से रहता है। यदि हम स्वामी को स्व में ले जाएंगे तो वहां पर स्वत्व संबंध होगा। जैसे चैत्र को हम धन में ले जाएंगे तो स्वत्व संबंध से चैत्र धन में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी पूर्ववत समझना चाहिए, जैसे हमने विषयता संबंध और विषयता संबंध में समझा था, उसी प्रकार से यदि हम स्व को स्वामी में ले जाते हैं, धन को चैत्र में ले जाते हैं तो स्वामित्व संबंध होगा, और स्वामी को स्व में ले जाते हैं तो स्वत्व संबंध होगा। मित्रों एक और संबंध है सामानाधिकरण संबंध। इस पर बहुत से जो प्रवेशार्थी हैं उनको काफ़ी भ्रम होता है, इसलिए हम यहाँ उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं।
तो आप सावधान होकर के समझें। समानम एकम अधिकरणम ययोः समानाधिकरणौ। समानाधिकरण शब्द को पहले आपको समझना है। समानाधिकरण और समानाधिकरण ये दो अलग अलग शब्द है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, धूम और अग्नि दोनों पर्वत में है, पर्वत में धूम भी है और पर्वत में अग्नि भी है। तो प्रश्न है कि धूम का समानाधिकरण कौन है और अग्नि का समानाधिकरण कौन है। आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। हमारा प्रश्न है कि धूम का समानाधिकरण कौन है और अग्नि का समानाधिकरण कौन है। तो आप में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि धूम और अग्नि का समानाधिकरण पर्वत है। बस यही भ्रांति है। धूम का समानाधिकरण पर्वत नहीं है और अग्नि का समानाधिकरण भी पर्वत नहीं है, अपितु धूम का समानाधिकरण अग्नि है और अग्नि का समानाधिकरण धूम है। एक अधिकरण में रहने वाले जो पदार्थ है, जो दो आधे हैं, जो दो रहते हैं, वह दो परस्पर में समानाधिकरण होते हैं। धूम का समानाधिकरण अग्नि है और अग्नि का समानाधिकरण धूम है। पर्वत एकाधिकरण है, पर्वत को कहेंगे एकाधिकरण, पर्वत अधिकरण मात्र है। एक अधिकरण में रहने वाले जो दो पदार्थ होते हैं वो आपस में समानाधिकरण होते हैं। धूम का समानाधिकरण अग्नि और अग्नि का समानाधिकरण धूम। ये तो आपने समझ लिए। अब आया समानाधिकरण। तो जो समानाधिकरण होगा उसमें समानाधिकरण रहेगा। का समानाधिकरण अग्नि है तो धूम समानाधिकरण अग्नि में, धूम समानाधिकरण्यम अग्नौ, अग्नि में समानाधिकरण है। अग्नि समानाधिकरण है और अग्नि में समानाधिकरण है। और अग्नि का समानाधिकरण धूम है, इसलिए अग्नि का समानाधिकरण्य धूम है, अग्नि समानाधिकरण धूम है। तो धूम समानाधिकरण संबंध से अग्नि में रहता है, ऐसा हमको कहना है। और अग्नि समानाधिकरण संबंध से धूम में है। बस इतना समझना है। समझने के बाद सब आसान हो जाता है, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक बहुत कठिन है। शास्त्रों को लोग कहते हैं अत्यंत कठिन है, लेकिन ये उतना कठिन नहीं है जितना कि प्रसारित है। शुरू में थोड़ा धैर्य से आपको समझना होगा पदार्थों को, फिर समझने के बाद उसमें कोई भी काठिन्य नहीं है, अत्यंत सरल सब विषय हो जाता है। तो मित्रों, आपने संबंध के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर ही लिया होगा, आपको इससे कुछ लाभ मिला होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इससे लाभान्वित हों। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद।